गुरुदेव आए आज इस आंगणे, मेरे गुरुदेव आए आज इस आंगणे। जैसे महावीर आए चंदना के गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज इस आंगणे। विधि न विधि की जान है कोई, जुड़ते हैं जन्मों के नाते। विधि न विधि की जान है कोई, जुड़ते हैं जन्मों के नाते। पुण्य उदय है होता जब गुरु दर्शन पाते। हौले हौले चरण पखारूं, हौले हौले चरण पखारूं गुरुवर मेरे द्वार पे, मेरे गुरुदेव आए आज इस आंगणे। मेरे गुरुदेव आए आज इस आंगणे। उपाध्याय श्री 160 गुप्ती सागर जी महाराज की। पीछे वाले की कमंडल वाले की, जरा दोनों हाथ उठाकर गुरुदेव का स्वागत करते हैं। पीछे वाले की कमंडल वाले की, करते रहो जयकार कि अवसर आए ना बार बार, अवसर आए ना बार बार। पीछे वाले की कमंडल वाले की, करते रहो जयकार। ना भी आदि नास्ति भुवन, ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रपतयो, ये चक्रिणो द्वादश, ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रथिता त्रिषष्टि पुरुषाः, कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्। ये सर्वोषद हृदये सुतपसो वृद्धि गतां पञ्चये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, ये ष्टो विदाश्चारणा, पंच ज्ञान धरास्त्रयोपि बलिनो, ये बुद्धिरेधीश्वरा, सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा, कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु हो मंगलम्। आन भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा, संपादिता स्वर्गिभिः, कल्याणानि च तानि पंच सततम्, कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु हो मंगलम्। सर्पोहार लता भवति सिलता, सत्पुष्प दामायते, संपत्ति रसायनम विषुमपि, प्रीतिं विद्यते रिपु। देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसा, किं वा बहु ब्रूमहे, धर्मा देव नभो विवर्षति न गहे, कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु हो मंगलम्। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं, सौभाग्य संपत्प्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधयस् तीर्थंकराणा, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजन, धर्मार्थ कामान्विता, लक्ष्मीराशयति व्यपाय रहिता,
निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि कुर्वन्तु ते मंगलम वंदे विद्यासागरम विद्यासागर विश्व वंद्य श्रमणम भक्त्या सदा संस्तवे सर्वोच्चम यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदम् ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम् विश्वस्य वेश्वाश्रयम् साकारं श्रमणं विशाल हृदयम् सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरु वंदनम् जय बोलिए संकट हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आज हम सबका परम सौभाग्य है परम पूज्य गुरुदेव का मंगलमय चातुर्मास राणा प्रताप बाग गुड़मंडी में हो रहा है और उनके उनके सानिध्य में हम सब मिलकर पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू यहाँ चढ़ाने जा रहे हैं। आज गुप्ती सागर चैरिटेबल ट्रस्ट उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। आइए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो। नमो उवचायाणम नमो लोए सवे साहूणम नमो अरिहंताणम नमो शिरसीदानम नमो आयरियाणम नमो उवचायाणम नमो लोए सवे साहूणम हो जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी देख रहे हैं श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर जिस मंदिर में दुनिया के 10 लाख लोगों ने टीवी के माध्यम से दर्शन किए वह शांति धारा विधान पूजन जिस कोविड जैसी महामारी में आप सभी ने देखा कि इस प्रांगण में कोविड का कोई नाम निशान नहीं था और दुनिया का भारत का नहीं दुनिया का एकमात्र मंदिर ऐसा था जिसके अंदर दस्तक्षर जी में पूजन विधान यहाँ पर हुआ और आप सभी ने उसका लाभ लिया। उसके पश्चात 17 दिवसीय विधान जो हुए उन सभी का भी लाभ आपने लिया। बंधुओं, ये सब चमत्कार था भगवान पार्श्वनाथ का और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का। ये सब आशीर्वाद से जो सब कुछ आपने देखा आज उसी कड़ी में हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में फॉर्मर कॉर्पोरेटर जिन्होंने जैसे हमारा संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ उन्नति की तरफ हो रहा है उसी तरीके से सबसे पहले फॉर्मर कॉर्पोरेटर उसके बाद एमएलए उसके बाद एमपी महाराष्ट्र कमेटी से और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर और एक बहुत बड़े बैंक के मालिक हमारे बीच में श्रीमान हेमंत जी पाटिल जी जो महाराष्ट्र से हैं
आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारा भगवान पार्श्वनाथ मंदिर बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से हेमंत पाटिल जी ने भी कार्य किया है, उसी तरीके से एमएलए एमपी और स्टैंडिंग कमेटी के एग्रीकल्चर चेयरमैन व बैंक के मालिक भी आज हैं। बंधुओं, उन्हीं के साथ में हमारे श्रीमान संजय गुप्ता जी, जो कि राजस्थान एटीटीटी नीमराना हाइट्स के मालिक हैं, और एक और खास व्यक्तित्व हमारे बीच में हेमंत जी, जो कभी इस मंदिर को नहीं भूलते हैं, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज को कभी नहीं भूलते हैं, उनको महाराज श्री का आशीर्वाद है, भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद है, वो भी हमारे बीच में आए हैं, और हमारे कामयाब के चेयरमैन श्रीमान पवन कुमार जी जैन, जो आप सामने देख रहे हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। मेरा निवेदन, आप सभी को आज थोड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से कोई बड़ी जगह देखना पॉसिबल नहीं था, और महाराज श्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो मंदिर में ही करना है। इसके पश्चात हमारे हेमंत जी, जो आप देख रहे हैं सामने, एक आईएएस का जो भवन बनकर तैयार है निर्वाण विहार में, जहां पर करीब 65 बच्चों को रखने की सुविधा मात्र एक दो महीने में ही कोविड के कम होते ही हम वहां पर शुरू कर देंगे। ऐसे हेमंत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिनके द्वारा अभी भी करीब 10 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि इस साल में हमारे 2-3 बच्चे जरूर निकल करके आईएएस आईपीएस जरूर बनेंगे। ऐसे हेमंत जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बंधुओं, आप सभी लोग आज देख रहे हैं, ताली में थोड़ी दम होना चाहिए। आज और एक कार्यक्रम आपने देखा, दूसरी लहर ने हमारे साथ में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, हमको अपनों से बिछुड़ा दिया, हमारे समाज के कितने व्यक्तित्व, कितने लोग हमारे बीच से चले गए। उपाध्याय श्री की सोच कि नहीं, मंदिर तो बनना चाहिए, पर मंदिर के साथ साथ कोई ना कोई चिकित्सालय का भी इंतजाम होना चाहिए। उसी कड़ी में हमने 1400 गज के बाद में करीब 400 गज जगह और लिए, जिसमें यह हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनेगा, अगर आप लोग हमारी सहायता करेंगे, हमारा साथ देंगे। बंधुओं, अभी आज से जिसका उद्घाटन चैरिटेबल सोसाइटी का मेडिकल सेंटर का यहाँ पर किया जा रहा है, वह पीछे जो 100 गज जगह हमारे पास में थी, डॉक्टर एस के जैन साहब अगर हमारे बीच में हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी आकर के महाराज श्री का आशीर्वाद ले। और अभी जो प्रारंभ में इस हॉस्पिटल को चलाने का श्रेय है श्रीमान एस के जैन छाबड़ा साहब रोहिणी से, जिन्होंने हजारों पेशेंटों को कोविड में बचाया, और इतनी एज के अंदर भी ये कोविड वाले को जाकर के बिल्कुल प्यार से मिलते थे, इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। मेरा निवेदन भाई प्रमोद जी जैन साहब से, वो भी आ गया है, भाई विजय जी जैन चांदी वाले, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी आ गया है, और थोड़ी सी आज आप सबको असुविधा है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, पर भगवान के द्वार पे जो खड़ा रहता है वह सबसे अच्छा इंसान होता है, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठने के बाद में शायद भगवान इतना आशीर्वाद नहीं दे जितना आपको खड़े होने पे देंगे। आप सभी लोग एक बार मेरा निवेदन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में कि वो कार्यक्रम की शुरुआत आज उनके ही द्वारा यहाँ पर की जाएगी, आप सभी लोग उन्हें सुने। बंधुओं, दुनिया के 10 लाख लोग इस प्रोग्राम को पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी 172 देश इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बंधुओं, जो कुछ देख रहे हैं ये सब आप सभी के सहयोग से हुआ है, आप सबका सहयोग नहीं होता तो शायद ये 1500 गज में मंदिर नहीं बनता। दिल्ली के मेन जीटी करनाल रोड पर 1500 गज में मंदिर बना देना एक बहुत बड़ी बात है। आपका घर हो सकता है आप 1000 गज 2000 गज 3000 गज जगह में बनाएं, परंतु ये मंदिर हमें याद दिलाएगा
कि हमारा भी यहाँ पर एक गज भूमि का पैसा लगा है, 5 गज भूमि का पैसा लगा है, 11 गज भूमि हमने दी है। बंधुओं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके इस नेक कार्यक्रम में हमारा साथ देवे और इस कार्यक्रम को जितना जल्दी से जल्दी कर सके वो करवाएं। मेरा निवेदन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस महोत्सव के सुव्यवस्थित प्रारंभ हेतु मैं चित्र अनावरण के मंगल कार्य को करने के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान हेमंत जी पाटिल, उनके साथ श्री संजय जी गुप्ता, श्री हेमंत जी जैन, ये तीनों सज्जन आए, और आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, श्री अजय जी जैन चंडीगढ़, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। चित्र अनावरण के इस मंगल कार्य को संपूर्ण करने के लिए ये सज्जन आ जाएं और भगवान महावीर स्वामी के चित्र, आचार्य श्री के चित्र का अनावरण कर इस सभा को वर्तमान शासन नायक और वर्तमान शासन नायक युग श्रेष्ठ संत श्रोमणी आचार्य भगवान के दर्शन कराएं। हम सभी इस मंगल कार्य की अनुमोदना तालियों के माध्यम से करेंगे सुंदर से गीत के साथ। बबीता दीदी, पार्श्व महोत्सव है, निर्वाण महोत्सव है, पार्श्व महोत्सव है, आज निर्वाण महोत्सव है, पार्श्व महोत्सव है, आज निर्वाण महोत्सव है, संकट हरण श्री पार्श्व प्रभु का, संकट हरण श्री पार्श्व प्रभु का पावन उत्सव है, पार्श्व महोत्सव है, आज निर्वाण महोत्सव है। चित्र अनावरण के मंगल कार्य के उपरांत मैं आमंत्रित करता हूं श्री विजय जी जैन चांदी वाले, श्री हेमंत जी जैन पाटिल जी जो हमारे बीच महाराष्ट्र से आए हैं, वे दीप प्रज्वलन का मंगल कार्य करेंगे, उनके साथ श्री संजय जी गुप्ता। तुम्हें और क्या दूं मैं इसके सिवा, दीदी को सबकी उम्र लग जाए, दीदी को सबकी उम्र लग जाए, सर्वप्रथम ब्रह्मचारिणी दीदी जी गुरु महाराज के चरणों में नमोस्तु अर्पित करके आशीर्वाद लें, उनका जीवन धन्य बने, निरंतर संयम के पथ पर उनका जीवन सतत बढ़ता जाए, आशीष लेते हुए दोनों दीदियां और हमारे समाज के समाज श्रेष्ठी पवन जी माइक जैन, वे दीदी को एक पुष्प समूह भेंट करते हुए आज उनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं। ताली बजाकर उनके भी श्रेष्ठ भावों की अनुमोदना करें। चित्रनावरण मंगलाचरण दीप प्रज्वलन और संयमों के संयमी जीवों के जन्म महोत्सव के इस भव्य अनुष्ठान भव्य महोत्सव को मनाने के बाद हम सब चलते हैं। एक सुंदर सा गीत गाकर बधाई दें। कितने पुण्य उदय से अवसर आज ये आया है, कितने पुण्य उदय से अवसर आज ये आया है, सुमन दीदी का हम सबने जन्म मनाया है, कितने पुण्य उदय से अवसर आज ये आया है, थाल फूल के सजा सजा कर नर नारी आए हो, पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव मिलकर मनाएंगे हो। और दीदी का जन्मदिन इतने सूखे सूखे नहीं मन सकता, जरा दोनों हाथ खोलकर एक साथ, अरे बलिहारी बलिहारी इन पर चांद सितारे हैं, बलिहारी बलिहारी इन पर चांद सितारे हैं, परम पूज्य गुरुदेव हमारे
बीच पधारे हैं। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं। सौभाग्य हमारे हैं, सौभाग्य हमारे हैं, सौभाग्य हमारे हैं, सौभाग्य हमारे हैं। जोरदार तालियों से इस संयमी महोत्सव के इस पावन पुनीत जन्मोत्सव की अनुमोदना करें और इस मंगल कार्य के पश्चात हमारे बीच आज हेमंत जी पाटिल जी, जिनका परिचय पवन भैया ने पूर्व में दिया है, उनका सम्मान करने के लिए श्री गुरु का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं हेमंत जी पाटिल जी को आमंत्रित करता हूं। श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लें और उनका सम्मान करने के लिए दीपक भैया, पवन भैया और पवन गोदा जी, ये तीनों सज्जन पहुंचकर उनका अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मान करें, माल्यार्पण करें, तिलकोत्सव करें। बंधुओं, आप जिन्हें देख रहे हैं ये इतने बड़े बैंक के मालिक है कि मैं आपको उसकी गिनती बताऊंगा तो शायद शाम हो जाएगी। इतने बड़े बैंक के मालिक हमारे बीच में हैं, जिस तरीके से नीचे से ऊपर ये गए हैं, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर भी हमारा उसी तरीके से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे हेमंत जी के लिए जोरदार एक बार तालियां। और भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है, आप सुस्त सुस्त बैठे रहेंगे तो कैसे काम होगा। आप सभी लोग एक बार जोरदार इनके सम्मान में तालियां बजाकर इनका स्वागत सम्मान करें। मधु में पावन मोहक बेला स्वागत के गीत सुनाती है। साथ में हेमंत जी जो हमारे IAS के कर्ता धर्ता, हमारी पूरी कामयाब को चलाने वाले ऐसे भाई हेमंत जी, जिन्हें आप देख रहे होंगे, वो ऐसा नहीं है कि कोई आप सोच रहे हो ऐसे वैसे हैं। इन्हें टाइम लेने के लिए शायद आप इनसे मिलने जाएंगे तो आपको मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। आज आप यहाँ पर इन्हें अपने सामने देख रहे हैं, मिल रहे हैं, ये सौभाग्य है हमारा सबका और गुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान पार्श्वनाथ जी का, कि हम सबके सामने हेमंत जी हमारे बीच में खड़े हुए हैं। श्रीमान संजय गुप्ता जी, मेरा निवेदन श्रीमान प्रमोद जी भाई साहब और विजय जी भाई साहब से कि आप संजय जी का सम्मान करके। अतिथि आप पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। अतिथि आप पधारे, धन्य है भाग्य हमारे। आदर की चादर उड़ाकर बलिहारी और बहुत सुंदर पंक्तियां बहन ने गाई। हमारे पवन भैया गोधा जी जो इस पूरे मंदिर के कार्यभार को अपने मजबूत कंधों पर अपनी पूरी टीम के साथ संभाल रहे हैं, वे भी आज अतिथियों को अंग वस्त्र के बाद हमारी जो भारतीय परंपरा है पगड़ी साफा, जोरदार तालियों के माध्यम से वे इस मंगल कार्य को कर रहे हैं। हमारी भारतीय जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए अतिथियों के सत्कार के उपरांत परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज का मंगल आशीष हम सबको मिले, उसके पूर्व उनके करकमलों में अपने जन्मदिवस के दिन योग के हाथों, संयमियों के हाथों, महासंयमी महाव्रतियों के हाथों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य आज हमारी ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री दीदी को प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों से दीदी के श्रेष्ठ भावों की अनुमोदना करें, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संयम के पथ पर बढ़ा दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं दोनों दीदियों को आमंत्रित करता हूं, सुमन शास्त्री दीदी जी जिनका आज जन्मोत्सव है, जिन्होंने संयम के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाया है वे, और साथ में उनकी सगी बहन की तरह, संयमी बहन की तरह रहने वाली रंजना दीदी जी, दोनों बहन जी आज शास्त्र भेंट करके पुण्य एकत्रित करें। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। जिन वाणी अर्पण करके, जिन वाणी अर्पण करके न
नतमस्तक सुबह और शाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, प्रणाम 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 प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। आज और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, जैन समाज आज विघटित है, उस कार्यक्रम में गुरुदेव ने एक और आशीर्वाद दिया है कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना है और मात्र एक साल के अंदर हमें उसमें 10 लाख लोगों को, 10 लाख जैनी भाइयों को जोड़ना है। बंधुओं, जैन समाज कौन कहता है छोटा है, जैन समाज सबसे ज्यादा टैक्स पेयर समाज है और आज उसकी गिनती कोई करता नहीं है। उस गिनती को उपाध्याय श्री आशीर गुप्ती सागर जी महाराज ने कहा है कि हमें एक संगठन का एक उद्घाटन आने वाली 22 तारीख को, जिसके अध्यक्ष महाराज श्री आपको 22 तारीख को बताएंगे, जो पूरे देश में, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और एमपी, देश के सभी जगह पर 10-10 आदमियों को नियुक्त करके और करीब 10 लाख लोगों को एक साल के अंदर हमें जोड़ना है, जिसकी राशि मात्र 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना हमने रखी है। आप सभी लोग जुड़े और हमारी पहचान बने कि जैन समाज भी कोई समाज है। बंधुओं, आज हम केवल अपने मंदिर तक सीमित हैं, वहीं के प्रधान हैं, वहीं के मंत्री हैं, वहीं के कोषाध्यक्ष हैं, हमारी कोई पहचान आगे नहीं है। अगर हमें हेमंत जी से भी मिलना हो तो शायद मिलने के लिए हमें दुविधा होती है। हमें एक साथ मिलकर के हमें मोदी जी से मिलना है, हमें राष्ट्रपति जी से मिलना है और उन्हें हमारी बात को सुनाना है कि हम भी समाज में इतने बड़े व्यक्तित्व के लोग हैं, हमारा भी कहीं इसमें निशान होना चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग आगे आने वाली 22 तारीख को इस कार्यक्रम को करेंगे। जो श्रेष्ठ भावना पूरी समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए पवन भैया ने भाई है, हम सब उसी आशा के साथ कि गुरुदेव हम सब संगठित हों और ये खुली अंगुलियों की तरह नहीं, मुट्ठी की तरह ताकतवर बनकर अपना जीवन और अस्तित्व पाएं। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आशीर्वाद हेतु निवेदन करूं, उसके पूर्व श्री हेमंत जी जैन, वे उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं आ जाएं और पूज्य पावन गुरुदेव के चरणों में अपनी भावांजलि अपने समस्त अतिथि मंडल के समूह के प्रतिनिधित्व करते हुए गुरु चरणों में प्रस्तुत करें। श्री हेमंत जी जैन, आप सभी लोगों को मेरा जय जिनेंद्र, गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु। और मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये संकट हनन मंदिर जो गुरुदेव ने एक प्रयास किया है, जिसको वो वर्ल्ड के अंदर एक मंदिर ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें सारे तरफ की जो चीज़ें हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाएं। और गुरुदेव ने जिस तरीके का यहाँ पर प्रयास किया है कि जो जगह का चयन है वो एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण चयन है। और सब लोगों के मन में बहुत सारी बातें थी कि यहाँ पर बहुत आसपास मंदिर हैं और एक मंदिर के बनने से दूसरे मंदिर के अंदर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस तरीके का ये मंदिर बन रहा है और जो गुरुदेव ने इसके लिए मन बनाया है और जैसा हम सब लोगों ने मन बनाया है कि इसको एक लेवल पे ले जाके एक एशिया लेवल का नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल का हम संकट हनन मंदिर बनाएंगे। मैं आप लोगों के समक्ष अपने मित्र हेमंत पाटिल जी को बताना, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि जब मैं शुरू में इनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये महाराष्ट्र के हैं तो मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम इनके साथ आएगी और किस तरीके से मैं इनके साथ जो है वो मिलूंगा और मेरी बात को पता नहीं कितना समझेंगे कितना नहीं समझेंगे। लेकिन ये पहले किसान हैं, किसान के बाद लोकल लेवल पे इन्होंने कंस्ट्रक्शंस के काम किए और किस तरीके से ये कॉरपोरेटर बने होंगे, किस तरीके से कॉरपोरेटर के बाद लोगों के साथ मिल के ये MLA बने होंगे और MLA के बाद कितने बार MLA रहे होंगे। मतलब आप सोचिए कि जिस समय जीवन स्टार्ट हुआ तो 17-18 साल की उम्र में मोटरसाइकिल से घूमना, चारों तरफ जाना, लोगों से मिलना, काम के लिए कहना और फिर वहां का MLA बनना। आज ये हिंगोरी के जहां के MP हैं
पूरे विश्व का सबसे ज्यादा हल्दी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। वो जो जगह है वो तीन स्टेट को मिलाता है, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटका को और महाराष्ट्र को। और क्योंकि हम सभी लोग जो हैं जैनिज्म को जो है वो सबसे ज्यादा जो बृहस्पति और भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर को जो पीले रंग से देखा जाता है, मुझे लगता है हेमंत पाटिल जो महाराज जी के चरणों में आए हैं वो ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये हल्दी के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हाँ, पत्ता भी इनके पीला ही डला हुआ है। और आप सोचिए कि इन्होंने किस तरीके से कोऑपरेटिव खोला होगा, एक एक आदमी से जुड़े होंगे। और आज जो इनका कोऑपरेटिव है उसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा एक एक लोगों का मिलके इकट्ठित एकत्रित हुआ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों के साथ ये जुड़े हुए होंगे और उन्होंने इनके ऊपर कितना विश्वास किया है कि कोऑपरेटिव के बैंक के साथ इनके साथ जुड़े हैं। एमएलए एमपी के होने के बाद आज इनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जो महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर कमेटी है उसके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन सारी व्यवस्थाओं के बाद जो इन्हें सरकार ने चुना है वो किसी ना किसी इनके आदर्शों की वजह से ही चुना गया है। और विशिष्ट योग्यता जो है वो इनकी हम सब लोगों के सामने दिखाई भी दे रही है। और मैं आप लोगों से 2-3 और बातें कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पुराने हिंदुज्म के साथ ही जुड़ाव है। चाहे मैं बद्रीनाथ को कहूं, चाहे मैं केदारनाथ को कहूं, चाहे मैं तिरुपति के बालाजी को कहूं, या मैं द्वारका के कहूं, किसी भी तरीके के अगर मैं हिंदू तीर्थ स्थान को कहता हूं और अगर मैं ये कह दूं कि वहां जैनिज्म का कोई अस्तित्व नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकम्प्लीट बात कह रहा हूं। अगर मैं अयोध्या की बात करता हूं तो हमारे कितने तीर्थंकरों ने वहां जन्म लिया है। अगर मैं वाराणसी की बात करता हूं तो आप लोगों को हर्ष होगा कि हमारे 15 कल्याणक हैं, 120 में से 15 कल्याणक वाराणसी के अंदर ही हैं। श्रेयांसनाथ भगवान का, चंद्र प्रभु भगवान का, सुपारसनाथ भगवान का, पारसनाथ भगवान का। अगर आप जन्मस्थली लें तो अगर पूरे इंडिया में जन्मस्थली लेंगे, अगर हस्तिनापुर को जोड़ लें, अयोध्या को जोड़ लें, 5-7 बिहार को जोड़ लें, बटेश्वर को जोड़ लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 तीर्थंकर का जो समेत शिखर से मोक्ष हुआ है और सिर्फ 4 का अलग अलग स्थानों से हुआ है। तो अगर मैं इन जन्मस्थली को जोड़ लूं और इनको विकसित करने का एक प्रण ले लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज के अंदर जो अपने आप को ये है कि साहब हम बड़े संकुचित हैं या हमारा जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ है या पेनिट्रेट नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 120 कल्याणक के क्षेत्रों को हम डेवलप करने का मन बना लें तो इंडिया के अंदर जो हमारी माइनॉरिटी स्टेटस है वो अपने आप बढ़ के हाइएस्ट नंबर ऑफ माइनॉरिटी पे तो एटलीस्ट आ ही जाएगा। सबसे पहले मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि संक्षेप में मैं खत्म करूंगा। आदिनाथ जो हमारे पहले तीर्थंकर हैं और जो भगवान महावीर हमारे लास्ट तीर्थंकर हैं, उनके बीच के जो तीर्थंकर हैं 22 और, उनके विषय में मुझे ऐसा लगता है सिवाय पारसनाथ के, अजितनाथ के या संभवनाथ के या शांतिनाथ के, या अगर आप 2400 तीर्थंकर को ए से लेके जेड तक चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि और भी बहुत से स्थान हैं। तो अगर हम सब लोग ये अपना मन बना लें कि हम एक स्थान के अंदर तो अपना सहयोग देंगे ही, बल्कि पूरे देश के अंदर जो हमारे मोक्ष कल्याण के स्थान हैं कम से कम उन पे भी हम अपना मन जरूर बनाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराज जी के प्रयास से संकट मोचन जो ये मंदिर बन रहा है संकट हरण, इसमें हम सब लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। और जैसा महाराज जी ने इसको एजुकेशन सेंटर के साथ, हेल्थ सेंटर के साथ और एक मेडिटेशन सेंटर के साथ जोड़ा है, मैं इसी के साथ ये कहूंगा कि मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेंद्र। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम को जो सबसे बड़े न्यूज चैनल आज के आज तक डीडी न्यूज, समाचार न्यूज, हिंदी चैनल, जेके न्यूज, कोलकाता टीवी, करीब 6 चैनल जो आज
इंटरनेशनल चैनल जिन्हें कहा जाएगा हमारे बीच में है, आप सभी चिंता नहीं करें, आपके घर वाले कहीं भी रहते होंगे आपको सबको दिखाएंगे कि देखो हमारे घर वाले भी आज साक्षी है कि भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याण के ऊपर वो किसी होटल में किसी पिक्चर हॉल में नहीं है, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में है। बंधुओं ये सौभाग्य है आपका और हमारा जो दूसरी लहर से हम सब लोग आकर के और आज भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बैठे हैं। ये आप अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाएं, कितने भाई बहन हमारे को छोड़कर चले गए, इसी कड़ी में आज आप देख रहे हैं अभी ये केवल टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कितनी बड़ी होगी, 2.5 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी, 6 घंटे की होगी, किसी को पता नहीं है। एक एक मूर्ति की फोटो आप देख लेंगे आपको रात को नींद नहीं आएगी, ऐसा सपना है उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का। कल मेरे को एक मूर्ति दिखाई, मैं तो उसको देख के रात को चक्कर खा गए कि महाराज श्री कहाँ जगह है, बोला अभी बगल में 800 गज और जगह है, तुम चिंता मत करो यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल भगवान पार्श्वनाथ विराजमान रहेंगे और ये जब ही रहेंगे आप सब लोग बिल्कुल हमारा साथ देंगे। बंधुओं आप अपना घर चाहे 2000 करोड़ का बना ले, चाहे 500 करोड़ का बना ले, चाहे 5 करोड़ का बना ले, आपका पड़ोसी भी आपको पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो अपने में है, आप अपने में है। अगर भगवान के मंदिर में आपने अपना योगदान दे दिया, पूरी दुनिया आपको पूछेगी, दुनिया आपको देखेगी और दुनिया के शिलापट पर आपका नाम लिखा जाएगा कि हमारे परिवार के द्वारा भी यहाँ पर इस मंदिर का योगदान था जिसमें आज हम आ रहे हैं, हमारी भावी पीढ़ी आएगी, लाखों वर्षों तक हमारा नाम रहेगा। मेरा निवेदन अभी हेमंत पाटिल साहब आप भी हमें नीचे से ऊपर तक की कहानी 2 मिनट की बता देवे जिससे हमारे भगवान पार्श्वनाथ का जो मंदिर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है शायद आपके आशीर्वाद से जल्दी होगा। सर्वप्रथम परम पूजनीय उपाध्याय श्री गुप्तसागर महाराज जी को वंदन करता हूं। यहां बैठे हुए सभी भाई बहन और माताओं सबको मेरा जय जिनेन्द्र। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वो वीर भूमि से यहाँ पे आया हूँ और मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आज इतने बड़े समारोह में मुझे आपने आमंत्रित किया। मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी होती है कि मैं खुद जैन धर्म का पालन करता हूं। कोई भी व्यसन मांसाहार सब 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 वर्जित मैं करता हूं और मेरे मित्र माननीय हेमंत जैन साहब ने महाराज जी के मुझे दर्शन करवाए और उनके आशीर्वाद से मेरा आयुष्य पावन हो गया और जो तरक्की हो रही है ये महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे आयुष्य में हो रही है। मैं हमेशा हेमंत जी एक बोलता हूं हमेशा कि इस देश में भगवान महावीर भगवान गौतम बुद्ध इन्होंने ये देश को एक रास्ता बताया, धर्म की स्थापना की। आज किसी की तुलना नहीं करना है लेकिन जैन धर्म के जो अनुयायी है हम देखते हैं महाराष्ट्र में बहुत सारे हमारे जैन बांधव है, कहीं भी जाते हैं जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है उस तरह घुल मिल जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं और व्यापार में आर्थिक क्षेत्र में ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में एक उचली स्तर पे आज इन्होंने इनका नाम बनाया है। इसके पीछे जो कोई प्रेरणा है तो सिर्फ जैन धर्म की पे प्रेरणा है, आप धर्म का पालन करते हो इसलिए आज आप सब भाई और बहन ऊंचे पद पे हो। आज आदरणीय उपाध्याय गुप्तसागर महाराज जी ने संकल्प किया है कि वास्तु में हॉस्पिटल्स और हमारे हेमंत भाई आईएएस जो बच्चे बनने जा रहे हैं यूपीएससी कर रहे वो बच्चों के लिए बड़ा मार्गदर्शन वो करते रहे, उनके मार्गदर्शन पे कई सारे
समाज के बच्चे, गोर गरीब के बच्चे आज आईएएस आईपीएस बनने जा रहे हैं, तो यही संकल्प को लेके हम महाराज जी के साथ में हैं। आपका जो भी आदेश रहेगा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं तो एक आपका कार्यकर्ता, एक आपका स्वयं सेवक बोल के वो मेरे सर आंखों पे रहेगा। आपने जो सम्मान किया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आज के स्वतंत्रता दिन पर आप सबको बहुत सारी शुभकामना देते हुए विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय जिनेंद्र। मन जी, मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आज तक के प्रोग्राम में ये सबसे कम भीड़ होगी। ये भीड़ थोड़ी है, ये तो कोविड की वजह से हमने बुलाया ही नहीं किसी को भी, ये तो कुछ भी नहीं है। भीड़ तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लोग जब होते हैं उनसे भीड़ कहते हैं। और अब बिना किसी भूमिका के परम पूज्य आचार्य भगवान के परम प्रिय प्रभावक शिष्य, जिन्होंने चाहे अहिंसा हो, चाहे आचार्य हो, चाहे अपरिग्रह हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे सत्य हो, और आज विश्व का हर डॉक्टर आखिरी श्वासों में कह देता है कि अब तो भगवान का नाम बजवाओ, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, तो डॉक्टर जहाँ भगवान की शरण बताता है, भगवान और चिकित्सक दोनों साथ साथ जिस भूमि पर विराजेंगे और उनके पास आकर किसी का कभी भी कोई अहित नहीं होगा, इस भावना से उस चिकित्सालय, उस हॉस्पिटल का संपूर्ण परिचय गुरुमुख से हमें प्राप्त हो, आशीर्वचन प्राप्त हो। आप सभी सुधी श्रोताओं की ओर से, इस कमेटी की ओर से पूज्य पावन गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ। एक मिनट का समय उपाध्याय श्री के बाद में हम सीधा पहले जो आज का मेन कार्यक्रम जिसका उद्घाटन हमें हेमंत पाटिल साहब से करवाना है, सब लोग बाहर सीधे यहाँ से बैंड बाजे के साथ चल के सबसे पहले हम जो आज का हमारा हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है उसे करने के लिए सभी साथ साथ चलेंगे। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए, हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ससत्य विद्या तपसाम प्रणाय कहा, समग्र धीरुंग कुकलांबुरान सुमान, मया सदा पार्श्व जिन्हा प्रणम्यते, विलीन मिथ्या पथ दृष्टि विभ्रमः। जय बोलिए विश्व गुरु काले काले नागों वाले पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। धर्मस्नेह बंधुओं, आज का यह पावन क्षण हम सबके मन प्राणों पर एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर कर गुजर रहा है। पार्श प्रभु अपने जीवन की अंतिम सफर को करते हुए लक्ष्य को प्राप्त हुए हैं और कहते हैं हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हैं। कमंठ ने अनेक उपसर किए हैं, एक दो तीन नहीं 10 जन्म तक कमठ ने उपसर किया, लेकिन पार्श प्रभु कहते हैं हम तो फूलों की तरह है, अपनी आदत से बेबस हैं, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देते हैं। आप कितना भी उपद्रव कीजिए हम सदैव आपके मंगल की कामना करेंगे। मिस्टर हेमंत जी पाटिल कांटों से फूलों में खिल करके आए, और हेमंत जैन जो आइए सामने उपस्थित हैं, इन्होंने भी अनेक सा संघर्ष किया है और अपनी जीवन जिंदगी को एक गुलशन की तरह सजाने का जो प्रयास किया है वास्तव में वह प्रशंसनीय और आप सबके लिए अनुकरणीय है। महानुभाव, जिस व्यक्ति को जिंदगी में सफलता अर्जित करने का विचार पैदा हुआ है उस व्यक्ति को चाहिए कि हर समय थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना सीखे। जो आदमी दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना सीख जाता है
थोड़ी अपनी कल्पना शक्ति को आगे लाता है और आत्मविश्वास पर चलता है, साथ ही नेता की तरह हारने के लिए तैयार भी रहता है। नेता कभी घबराता नहीं है, वो एक और पटकनी मार के सामने वाले को आगे निकल जाता है। और हेमंत पाटिल ने अनेक पटकनियां मार करके लोगों को जो महाराष्ट्र में अपना आभा मंडल विकसित किया है, इस बात की घोषणा कर रहा है कि आदमी अकेला चलता रहे तो भी हिमालय तक पहुंच जाता है। प्यारी बहनों, अगर लक्ष्मीबाई बनना है आपके लिए तो आप सारी यहां देखिए, और आपको शिवाजी बनना है तो आप सबका आकर्षण इस तरफ होना चाहिए, तभी आपकी सोई हुई शक्ति का उद्घाटन हो सकेगा, वरना बर्फ की तरह आपका वीर जमा रहेगा, गर्म नहीं होगा, और जो गर्म नहीं होगा वह शर्म में डूबा ही रहेगा। महारानी लक्ष्मी और शिवाजी की तरह अपनी सोई शक्ति को जगाने के लिए पुरुषार्थ कीजिए। पार्श्वनाथ ने हर क्षण अपने आत्मविश्वास को जगाते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। धर्म स्नेही बंधुओं, जीवन बांसुरी की तरह है, जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी पाटिल जी कितने छेद है, जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको बजाना आ गया उसे जीवन में जीना आ गया। मनुष्य का जन्म गांव में होता है और शहरों में आकर उसकी प्रतिभा का उद्घाटन होता है, मूल्यांकन होता है। हम सब गांव में जन्म हुए लोग हैं, लेकिन भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकर के अपनी प्रतिभाओं को उद्घाटित करने का जो हम पुरुषार्थ करते हैं वह हमारे लिए बहुत ही कामयाबी दे रहा है। जिंदगी जीना महानुभाव आज आसान नहीं है, अनेक स्पीड ब्रेकर है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई काम नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई काम नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हेमंत भाई कह रहे कि महाराज जी बहुत ही हां एक जबरदस्त मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं भाई हेमंत जी अनेकों चोट खाना पड़ेगी, एक चोट से कोई पत्थर आज तक भगवान नहीं बना। अनेक चोट खाने के बाद उस पर जो चमक आती है, व्यक्तित्व आभा मंडल उभर के आता है, तभी तो आदमी का मस्तक झुकता है। और हम जहां मस्तक झुका देते हैं वहां से कभी उठाते नहीं है। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत बालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के अच्छे कर्म होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ये राणा प्रताप बाग, NH बन, इस रोड पर भगवान पार्श्वनाथ का व्यक्तित्व तो उभर के आने वाला, और कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो उनके व्यक्तित्व से टकराए, जो उनके व्यक्तित्व से टकराएगा उसे ही फूटना है। हम अपना सिर हिमालय से मारेंगे तो क्या हिमालय टूटेगा, क्या टूटेगा, सिर ही फूटेगा, टूटेगा। पारस प्रभु का आज मोक्ष कल्याणक है, उनने अपने तमाम कर्मों को पटकनी दी है और अपने लक्ष्य को साध लिया है। आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में यदि आपको स्वस्थ रहना है तो दुखी व्यक्तियों के दुख को दूर करने के लिए, उनकी शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए औसत दान आज से देना प्रारंभ कर लीजिए, वरना कोरोना वायरस की आगोश में आने के बाद धरती की आगोश में चले जाएंगे। पिछले दिनों आपने अनेक चोटों को खाया है और चोट खाते खाते खाते
आप दुखी हो गए हैं। मैंने पूछा भगवान से, कैसे तेरी पूजा करूं? मैंने पूछा पार्श प्रभु से, कैसे तेरी पूजा करूं? भगवान बोले, खुद भी मुस्करा। भगवान बोले, खुद भी मुस्करा और औरों को ही मुस्कुराने की वजह दे, बस तेरी पूजा हो जाएगी। इसलिए मैंने हंसना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है और हंसने वालों को बुलाया है कि भाई तुम भी हंसो, हम भी हंसेंगे। मैं दिल को बेचता हूं, कोई दिल का मोल दे दे। कोई खरीदार है, मैं दिल बेचने को आज यहां इकट्ठा हुआ हूं इस मेले में पार्श प्रभु के। मैं दिल को बेचता हूं, कोई दिल मोल ले ले। दिल का मोल ये है, कोई हंस के बोल देवे। आज कितने लोग मायूस हैं, जैसे परिवार से कोई आदमी कूच कर गया हो, मर गया हो कोरोना वायरस से। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब क्यों हुई? इसलिए कि कोरोना वायरस के समय में आपका पैसा काम नहीं आया। किसी की मां चली, किसी की पिता चले, किसी के भाई चले गए, किसी का जवान 19 साल 20 साल का बेटा चला गया, उसीलिए आज तक आप मायूस हैं। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं, मायूस रहने से गम दूर नहीं होता है, आप जितना हंसोगे उतना दुख दूर होगा। हंसिए, मुस्कुराइए और मुस्कुराने से मायूस में डूबे हुए लोगों का दिल भी मुस्कुराने लग जाएगा। हेमंत पाटिल जी की फ्लाइट 12:30 बजे है, मैं सोचता हूँ कि फ्लाइट वहीं खड़ी मिलेगी, फ्लाइट आगे बढ़ेगी नहीं। 12:30 बजते हो, चाहे 1:30 बजता हो, जाएगी कैसे फ्लाइट? जब तक पार्श्वनाथ भगवान करेंट नहीं होगा, तब तक फ्लाइट उड़ाने वाले की हैसियत भी थोड़ी सी वीक रहेगी। मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, जिन्होंने अपना चित्त भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में लगाया है, उन व्यक्तियों को जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं हुआ है। इसलिए जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखने की है, जब आपके लिए कोई गुस्सा आए तब कोई फैसला मत कर लेना,